मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 बजाज पल्सर 150 नियॉन का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली बजाज पल्सर 150 नियॉन में सिंगल चैनल ABS आ चुका है, लेकिन ये जो मेरे पास आप वेरिएंट देख रहे हो वो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट है। ABS वाला वेरिएंट तब वहाँ शोरूम पर अवेलेबल नहीं था, लेकिन अगर आप अपने नियर बाय बजाज शोरूम पर कॉन्टैक्ट करोगे तो वो आपको ABS वाले वेरिएंट की पूरी जानकारी दे देंगे। दोस्तों, प्राइस की बात ना अभी ही कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सस्ता है। अगर नॉर्मल वेरिएंट की प्राइस के बारे में बात किया जाए विदाउट ABS, तो इसका प्राइस है 64,000 एक्स शोरूम दिल्ली, और जो सिंगल चैनल ABS वाले वेरिएंट का प्राइस है वो है 80,000 ऑन रोड दिल्ली। तो दोस्तों, अब अपाचे 160 ABS के बाद अब भारत की सबसे सस्ती सिंगल चैनल ABS वाली बाइक बजाज पल्सर 150 नियॉन ABS बन चुकी है। और दोस्तों, अगर आपको कम कीमत में एक परफॉर्मेंस और सेफ्टी रिलेटेड बाइक चाहिए तो मैं आपको कहूंगा कि आप अभी जाकर पल्सर 150 नियॉन ABS को बुक करें। बाकी दोस्तों, इसके लुक्स वाइज कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों तीनों कलर्स में से जो कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो नियॉन येलो ही लगता है, क्योंकि रेड और सिल्वर कलर उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं देते हैं जितना येलो कलर सनलाइट में देता है। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि आपको कौन सा कलर पसंद है। और दोस्तों, बाइक के कुछ मेन पॉइंट पर आपको येलो कलर का हाईलाइटिंग मिलता है, जैसे टैंक पर आपको येलो कलर का पल्सर का 3D एम्ब्लेम मिलता है, पीछे 150cc की ब्रांडिंग भी आपको येलो हाईलाइटिंग में मिलती है, और पिलियन ग्रैब हेल भी आपको येलो कलर का मिलता है। और इन्हीं येलो हाइलाइटिंग की वजह से बाइक काफी स्पोर्टी भी लगती है। फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाता है एयर को पास करने के और कंफर्टेबल राइड करने के लिए, और उसी विंडशील्ड के नीचे आपको एक येलो कलर का स्ट्रिप मिलता है जो आपकी बाइक को एक काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है। और कॉर्नर्स पर आपको पायरेट लैंप्स मिलते हैं जो नाइट में आपकी बाइक को एक काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देते हैं, और सेंटर में आपको सेम हेलोजन बल्ब मिलता है। और दोस्तों, इंडिकेटर्स इसमें आपको सेम कन्वेंशनल इंडिकेटर्स मिलते हैं। रियर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए तो रियर में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, इसमें आपको सेम LED टेल लाइट मिलती है जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स टूटने की संभावना कम हो जाती है। और दोस्तों, आपको यहाँ जो मडगार्ड मिलता है वो आपको फाइबर का मिलता है, जिससे अगर कोई पीछे से आके मडगार्ड को डैमेज करने की कोशिश करता है तो मडगार्ड जल्दी से टूटता नहीं है, बस वो थोड़ा बहुत मुड़ता है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको सेम 149.5cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2 वॉल्स ट्विन स्पार्क DTSI एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 14 PS एट 8000 RPM की पावर और 13.4 Nm एट 6000 RPM का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको नंबर ऑफ गियर्स 5 मिलते हैं, और किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें आपको एनालॉग मीटर में टोटल RPM मिल जाता है, और डिजिटल मीटर में आपका किलोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर मिल जाता है, और सारे बेसिक से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और दोस्तों, ABS वाले वेरिएंट में आपको बैटरी इंडिकेटर की जगह ही ABS इंडिकेटर मिलेगा। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बाइक की हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें आपको सारे बेसिक से स्विचेस मिल जाते हैं जो आपको सब बाइक में देखने को मिलते हैं। राइट तरफ के हैंडल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको आपका इंजन किल स्विच मिल जाता है, और इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक एंटी फ्रिक्शन सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 80x100 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज, और 240mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको 5-way एडजस्टेबल नाइट्रॉक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 100x90 का टायर साइज मिलता है विद 17 inches व्हील साइज, और इसमें आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। दोस्तों, ABS वाले वेरियंट में आपको पीछे टायर पर एक ABS सेंसर भी मिलेगा। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और लंबी सीट मिलती है। दोस्तों, सीट पर भी आपको येलो कलर के स्टिचेस मिलती है जो बाइक को काफ़ी उम्दा लुक देती है। और दोस्तों, अगर आप 2 या 3 लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है और जो पिलियनर है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सीट की कुशनिंग वो काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आपको डाउट है रिलेटेड टू बजाज पल्सर 150 नियॉन से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।